अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सोना बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सोना का खाना इज़ू कुकिंग पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को बहुत खुश रखे और हमेशा कामयाब रहें। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ हम बनाते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मटन स्टू की रेसिपी। बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक टेस्ट होता है इस रेसिपी का। तो कैसे बनाया हमने इस रेसिपी को, तो आप वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कैसा लगा मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो में जो भी वीडियो डालूँगी वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg मटन का गोश्त लिया है। यहाँ पर आप चाहें तो बीफ़ का भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। और इसके साथ मैं ले रही हूँ कुछ साबुत मसाले, जिसमें है थोड़ी सी जावित्री, 4 इलायची, 4 लौंग, कुछ काली मिर्च के दाने, थोड़ी सी दालचीनी और एक बड़ी इलायची है जिसको मैंने 2 टुकड़ों में कट करके रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने ले लेना है 3 पाव के करीब है हमारा प्याज। प्याज को मैंने ऐसे ही रफली चॉप करके रखा हुआ है। और यहाँ पर ले रही हूँ कुछ पाउडर्ड मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1.5 चम्मच के करीब लिया है मैंने पिसा हुआ धनिया, और 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला बॉबी पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और यहाँ पर ले रही हूँ 150 ग्राम के करीब दही, और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको बारीक टुकड़ों में कट किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने ले लेना है लहसुन अदरक, वो भी जो कद्दूकश किए हुए हैं उसका मैं पेस्ट इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ साबुत हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च, इन दोनों को भी मैंने बारीक टुकड़ों में कट करके रख लिया है। इसको हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, इसका टेस्ट स्टू में ऐसे ही बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल करके गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाता है हम इसमें ऐड कर देंगे गर्म मसाले। यहाँ पर मैंने ऑयल की मात्रा जो है कम रखी है, बिकॉज़ हमारे जो गोश्त में फ़ैट कुछ ज़्यादा ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कम रखी है। आप चाहें तो अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। तो जो हमने साबुत मसाले लिए थे वो मैंने डाल दिए इसमें, और इनको हम हल्का सॉटे होने देंगे। और जैसे ही ये हल्के से सॉटे होते हैं, इसके साथ हम डाल देंगे इसमें आधा प्याज। हम इसमें आधा ही प्याज अभी डालेंगे जो हमने प्याज लिया था, यहाँ पर हम पूरा प्याज नहीं डालेंगे। पहले हम आधे प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो एक साथ ही सारे प्याज को डाल करके एक साथ बनाते हैं, उसका टेस्ट अलग आता है, और इस तरीके से बनाने से इसका टेस्ट अलग आता है। और इसके साथ हमने जो कद्दूकस किए हुए लहसुन लिया है, इसको भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। और इसके साथ हमने जो अदरक लिया है ग्रेट किया हुआ, ये भी हम डाल देंगे, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतना भी नहीं भूनना है कि इनका कलर ही चेंज हो जाए, बस इतना भूनना है कि इनकी एक बेहतरीन सी खुशबू आने लगे। तो जैसे ही ये भूनते हैं, जैसे इनका कलर हल्का फुल्का सा चेंज होता है, इसमें हम डाल देंगे हमने जो अपनी मिर्चें ली थी, सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च, तो ये मैंने रफली चॉप करके रखी हुई थी, इन्हें भी हम डाल करके हल्का फुल्का सा भून लेंगे। जैसे ये सारा मसाला सॉफ्ट होता है, हम इसमें बाकी का प्याज भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा प्याज वगैरह अच्छे से भून गया है, और अब जो हमने प्याज बचा के रखा था वो प्याज हम यहाँ पर डाल देंगे, और इसको भी हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। बकराईद निकलने के बाद, हैवी मसालों की डिश और रेसिपीज़ खाने के बाद, इस तरह का स्टू बहुत मज़े का लगता है। तो जैसे ही हम ये प्याज डाल देते हैं, और इसके साथ हमने डाल देने हैं टमाटर जो हमने कट करके रखे थे, और टमाटरों को हम हल्का सॉफ्ट होने देंगे। जैसे ही टमाटर हमारे हल्के सॉफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर हम डाल देंगे मटन, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकर में ये जल्दी बन जाता है, बट मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है। कुकर में जो ये जल्दी बन जाता है, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला जो हमने लिया था, नमक, और अब ये सारी चीज़ें डाल करके हम इसमें मिला देंगे। और साथ में ये डाल रहे हैं हम पिसा हुआ धनिया, जो हमने आपको पहले ही सारे मसाले बता दिए थे। तो अब ये सारी चीज़ें डाल करके हम अच्छे तरीके से इन्हें भून लेंगे, इन मसालों का कच्चापन निकल जाए, बस तब तक हमें इसे भून लेना है।
और यहाँ पर हम किसी भी तरीके का पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से भुन रहा है हमारा गोश्त जो हमने डाला है, और इसमें अब बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं रहा। आप देख सकते हैं इसका सारा मॉइस्चर जो भी था वो जल गया है। तो इसके यहाँ पर हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और इसके साथ भूनने के साथ साथ में हम यहाँ पर दही भी डाल देंगे जिससे कि ये और अच्छे से हम इसको भून सकें। और दही के साथ हम इसको भूनेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। और याद रखें हम यहाँ पर कोई भी पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें दही डाल करके हम ऐसे ही इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। दही में इस तरीके से भूनने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन यानी जब आप अपने घर में फैमिली में इस तरह से बना करके अपने घर में देंगे तो वो एक बार नहीं बार बार आपसे इस रेसिपी की फरमाइश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो दही वगैरह डाला था सब कुछ अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इसमें कोई मसाले भी अभी नहीं डालने हैं। तो बस अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम गलाने के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसको हम 30 से 35 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने देंगे जिससे कि जो हमारा मटन है वो अच्छे से गल जाए। अगर आप इसको कुकर में बनाएंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, वहाँ सिर्फ 1 या 2 सीटी में ही आपका गोश्त जो है अच्छे से बन चुका होगा। तब हम 35 मिनट के बाद देखेंगे हमारा गोश्त कैसा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 35 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो गोश्त है वो काफ़ी हद तक गल गया है, जैसा हमें चाहिए था वैसा ही बन चुका है। और अब ये लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें भुने हुए चने का पाउडर, आप इसकी जगह बेसन भी भून करके डाल सकते हैं। बट ये जो भुने हुए चने का पाउडर डालते हैं इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है, एकदम यूनिक टेस्ट आता है। और साथ में मैं डालूँगी 1 चम्मच गरम मसाला, और यहाँ पर आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा दिखे तो आप यहाँ पर अपना नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हमारा जो स्टू है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करने के लिए चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है, वाओ माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। एक बार आप मेरे कहने पर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब आप इसको सर्व करें रोटी, तंदूरी नान या फिर तंदूर की रोटी से, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको सर्व करें। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ में अपनी दोस्त सोना को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन का बटन आएगा उसको भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फैमिली में, अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए अपनी दोस्त सोना को दे इजाज़त, फिर मिलती हूँ आपसे नई और एक ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में।